हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है चाय एवं रबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चाय भारत की सबसे महत्वपूर्ण बगानी फसल है। यह दक्षिणी चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है। चाय उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चाय के पौधों के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और इसके लिए 150 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा तथा ढलान युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां होती हैं। तो चाय के खेती के लिए कितना टेम्परेचर, कितना वार्षिक वर्षा और कौन सी आदर्श परिस्थितियां होनी चाहिए, याद रखिएगा। भारत में चाय की दो प्रमुख किस्में हैं, बोहिया या चीनी, दूसरा है असामिका या असमी। चाय अधिनियम 1953 के अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुसार टी बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को हुई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह बोर्ड जो चाय बोर्ड है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। तो 1920 में असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का स्थान आता है। एफएओ तथा टी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2019 में चाय उत्पादक शीर्ष 5 देश जो है, चीन पहले स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे, केन्या तीसरे, श्रीलंका और वियतनाम आता है। जबकि एफएओ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2018 में उत्पादन और उपभोग दोनों के ही संदर्भ में चीन पहले और भारत दूसरे स्थान पर था। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व के शीर्ष निर्यातक देशों में केन्या पहले स्थान पे, चीन दूसरे स्थान पे, श्रीलंका और भारत है। रबर के पौधों के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? गर्म और नम जलवायु की। इसके लिए 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड मासिक औसत तापमान और लगभग 300 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। 2012-13 के आंकड़े के अनुसार यहां देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग 87.56% भाग उत्पादित किया जाता है। 2018-19 में केरल का रबर उत्पादन राष्ट्रीय हिस्सा घटकर 75.68% रह गया है। एर्नाकुलम, कोटायम, कोझिकोड और कोलम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। जुलाई 2019 में जारी आंकड़े के अनुसार 2018-19 भारत के प्राकृतिक रबर उत्पादन में शीर्ष राज्यों में केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु का स्थान आता है। भारतीय रबर बोर्ड के अनुसार 2019 में प्राकृतिक रबर उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान 6 और उपभोग में 2 है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है, याद रखिएगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस मामले में? भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता किस मामले में है? 1994 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्नकाल में भारत जो है दाल और चाय दोनों के उत्पादन एवं उपभोग में अग्रणी था। एफएओ के वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार भारत चाय के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे क्रम पर आ गया है, जबकि इसके उपभोग में वह प्रथम स्थान पर है। वहीं दूसरी तरफ भारत जो है दाल के उत्पादन और उपभोग में प्रश्नकाल से जो है जब पूछा गया था 1994 में, जो 1994 से वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दाल होगा। उल्लेखनीय है कि भारत में दाल की इतनी उपभोग मांग है कि विश्व में सर्वाधिक दाल का उत्पादन करने के बावजूद उसे जो है इसका आयात भी करना पड़ता है, जबकि चाय का सर्वाधिक उपभोक्ता होने के बावजूद भी यह इसका जो है कुछ हिस्सा निर्यात भी करता है। 2007-08 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का प्रथम स्थान था। सेकेंड प्रश्न है, 2007-08 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान कौन सा था? 2007-08 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान प्रथम था। प्रश्न संख्या 3 है, कौन सी नगदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? कौन सी नगदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तो चाय, याद रखिएगा। प्रश्नगत नगदी फसलों में भारत को चाय के निर्यात से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही थी। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा 2020 में जारी आंकड़े के अनुसार 2019 में भारत ने
चाय का निर्यात किया, जबकि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 में 254.8 हजार टन यानी 5,851 करोड़ रुपए चाय एवं मीट का निर्माण जो है सॉरी निर्यात किया था। तो याद रखिएगा। फोर नंबर है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? आपको मालूम है सही जवाब होगा असम। और रिवीजन कर लेते हैं इसके बारे में। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। 2018 के आंकड़े के अनुसार असम क्षेत्रफल और उत्पादन, याद रखिएगा, असम क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। यहां लगभग 337.7 हजार हेक्टेयर भूमि पर चाय की खेती होती है, जबकि 2019-20 के आंकड़े के अनुसार 695.38 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ है। यहां चाय का अधिकतम क्षेत्र, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र घाटी में फैला है। चाय उत्पादन में द्वितीय स्थान पश्चिम बंगाल का है। भारत, प्रश्न संख्या 5 है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में अनाज, पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन का भारत जो है आयात और चाय का निर्यात करता था, जबकि वर्तमान में भारत के निर्यातों में चाय और अनाज की प्रतिशत जो है हिस्सेदारी कितना, 0.3 और 0.2% या लगभग बराबर है। विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का चतुर्थ स्थान है। सिक्स नंबर है, कथन ए, भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। कारण बी, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो बताइए इन दोनों में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें जो है ए सही है परंतु आर गलत है, सी ऑप्शन। प्रश्न काल के दौरान विकल्प सी सही था। 2019 के आंकड़े के अनुसार विश्व के महत्वपूर्ण चाय निर्यातक देश जो है केन्या, चीन, श्रीलंका, भारत। एफएओ के अनुसार 2018 में भारत जो है चाय के घरेलू खपत अथवा उपभोग में अब चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, याद रखिएगा। सेवन नंबर है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती जो है अभीष्ट होगी, आइडियल होगी? किसकी खेती के लिए इस तरह का जो है वातावरण होनी चाहिए? तो चाय की खेती के लिए। चाय के खेती के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर तक जो है वार्षिक वर्षा और ढलाव युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां होती है। इन परिस्थितियों में चाय के पौधे तेजी से पनपते हैं। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? प्रश्न संख्या 8, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है बताइए? याद रखिएगा, चाय की। ग्रीन गोल्ड चाय की एक किस्म है। नाइन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो गन्ना, सी ऑप्शन। वर्तमान में बराक घाटी में उपजाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल धान है, जबकि यहां पर उपजाई जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल गन्ना है। विकल्प में धान के न होने के कारण सही विकल्प सी है। दस नंबर है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, बताइए भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल इसका सही जवाब होगा। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। 2018-19 के आंकड़े के अनुसार यहां देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग 75.68% भाग उत्पादित किया गया या किया जाता है। 2018-19 में केरल का रबर उत्पादन में राष्ट्रीय हिस्सा 75.68% था। एर्नाकुलम, कोटायम, कोझिकोड और कोलम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। भारतीय रबर बोर्ड के अनुसार 2018 में वैश्विक प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत का छठा और उपभोग में दूसरा स्थान था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है वह है आपका 11 नंबर, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल, याद रखिएगा। 12 नंबर है, भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन था 2013 में? 2013 के अनुसार पूछा गया है कि सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन था? केरल इसका सही जवाब है। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल, डी ऑप्शन। 14 नंबर है, निम्नलिखित में आपको बताना है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? केरल इसका सही जवाब होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी उद्दीपक फसल है, कौन सी उद्दीपक फसल है? तो सही जवाब है डी ऑप्शन, चाय। देखिए उद्दीपक फसलों के अंतर्गत चाय, कॉफी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता, धतूरा, भांग, सुपारी आदि आते हैं, जबकि गेहूं रबी की और मक्का व अरहर खरीफ की फसलें हैं। ध्यान रखिएगा, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अन्य बगानी फसलों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज सेक्शन में, हम लोग उसका प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, या इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे भी, टेलीग्राम क्विज ग्रुप में भी और चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी शेयर किया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।